एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कैबिनेट की बैठक से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुजुर्गों को पेंशन में राहत, 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है सरकार। बड़ी खबर और बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में बड़ा तोहफा मिल सकता है, यानी ब्याज दरों में भी इजाफा हो सकता है। 10,00,000 करोड़ रुपया उन्हें पेंशन की पहली किश्त आज ही जारी कर दी गई। ईपीएस पेंशन को लेकर आज मोदी सरकार ने लाइव आकर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को 3 बड़े आदेश दिए हैं, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। और फिलहाल कमांडर अशोक रावत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बातें करते हैं और पेंशन के बारे में ताजा जानकारी को जानते हैं कि अब आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। ईपीएस के पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात। लोकसभा की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर लिया गया बहुत ही बड़ा फैसला। लोकसभा के अंदर पेंशन बढ़ोतरी को जो है इनकी पेंशन धारक काफी लंबे समय से सरकार से इंतजार करे कि पेंशन को लेकर सरकार फाइनली कब फैसला सुनाएगी। तो लोकसभा की बड़ी बैठक हुई आपकी पेंशन को लेकर, जिसके अंदर पेंशन को लेकर बहुत बड़े निर्णय लिए गए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले कि लोकसभा की बैठक के अंदर पेंशन में आपकी कौन कौन सी बढ़ोतरी की गई है, कौन सी नई घोषणाएं की गई है, उनके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। आपकी पेंशन को लेकर तो बहुत ही बड़ी नई घोषणा की गई है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आपकी पेंशन को लेकर वो भी जारी हो चुका है, ऐतिहासिक फैसला है। और पेंशन आपके खाते में ट्रांसफर करने को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है। इन तमाम सवालों का आज के इस वीडियो के अंदर आपको जवाब मिलने वाला है, यानी कि जानकारी मिलने वाली है। तो आपकी पेंशन बढ़ोतरी की सारी सच्चाई है जो आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि कितनी आखिर आपको पेंशन मिलेगी। बात करें आपकी पेंशन को लेकर पहली बड़ी यानी कि घोषणा की, तो पेंशन धारक काफी लंबे समय से ईपीएस की मिनिमम 1,000 रुपए की राशि बढ़ाने को लेकर आंदोलन और संघर्ष कर रहे उन सभी कर्मचारियों को बड़ी यानी कि जीत मिली है। उनकी मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए की, यानी कि जो ईपीएस के 65 लाख पेंशनर्स है, जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, उनकी मिनिमम पेंशन है जो 1,000 रुपए की मिलती थी, उस राशि को बढ़ाकर की सीधा यानी कि 8,500 प्लस से डीए किया गया है। साथ में पेंशनर्स को हायर पेंशन, फ्री मेडिकल सुविधा का, अच्छी फैसिलिटी की मेडिकल सुविधा दी जाएगी, साथ में हायर पेंशन का भी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपके खाते में पेंशन पहली कब यानी कि भुगतान किया जाएगा, जो कि काफी लंबे समय से पेंशनर्स इंतजार करें कि पेंशन का पैसा उनके खाते में कब आएगा। तो 25 तारीख तक आपके खाते में पेंशन का पैसा आने वाला। इस तरह की सोशल मीडिया के अनुसार बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आपकी 25 तारीख तक आपके खाते में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो आपकी मिनिमम पेंशन 8,500 रुपये प्लस में डीए मिलेगा। अब बात करें डीए में आपकी कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 42% पहले आपको यानी कि 42% आपको डीए मिलता था, उससे बढ़ाकर के अब 46% करने को लेकर अपडेट आ रही है। तो आपको बता दें कि बहुत ही अच्छी आपकी पेंशन को लेकर लोकसभा की बैठक के अंदर ये घोषणाएं की गई, जिसके अनुसार ईपीएफओ ने ये यानी कि फैसला था उसको स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले के ऊपर मोहर लगा दी, जिसके अनुसार अब ईपीएफओ जल्द ही सभी पेंशनर्स से उनके खाते में पेंशन का भुगतान करने वाला है।